चलने वाली नहीं है। तो एक भाई जो कहते हैं कि रोज़ाना एक ही टॉपिक पे आप बनाते हैं वीडियो, उनके लिए ये वीडियो है। आज एक नया टॉपिक पे वीडियो बनाई है, तो वीडियो अच्छी लगी है चैनल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दोस्तों ये है 150 मीरा 2017-18-19 मॉडल है। इस सेम मॉडल आया है ये, इसी शेप में 18 से शुरू है मे भी। इस गाड़ी के अंदर इशू ये आ रहा है, ये गाड़ी चलने का नाम नहीं दे रही है, और ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है और 660 cc है। तो इसमें क्या फाड़ रहा है, ये चलने का नाम क्यों दे रही है? तो देखें वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो ये इसका इंजन 660 cc, 3 सिलेंडर। इसकी तीनों की तीनों ने कॉइलें चेक की हैं, ग्रिप चेक किया है, ऑक्सीजन सेंसर चेक किया है, कैटलेटिक चेक किया है, आउटर बॉडी चेक किया है, इसकी एयर इनटेक चेक किया है, फ्यूल इंजेक्टर ने निकाले हैं। बाहर तो वो लीक कर रहे थे, मगर लीक की वजह नहीं हो सकती है कि ये गाड़ी पिक ना ले। गाड़ी वाले कहते हैं गाड़ी स्टार्टिंग से बहुत लंबी दे रही है और पिक नहीं ले रही है। अब ये जो फॉल्ट है अजीब व गरीब है कि हर चीज़ ठीक है, फ्यूल पम्प का जो प्रेशर हमने चेक किया है वो भी ठीक है, मगर जैसे ही हमने इसका फ्यूल पम्प का प्रेशर चेक किया है तो हमें एक एक खदशा सा हुआ है। तो हमने इसका फ्यूल टैंक खोल लिया है चेक करने के लिए कि फ्यूल टैंक में क्या भरा हुआ है, ये कौन सा लिक्विड है जो फ्यूल टैंक के अंदर है, ये तो पेट्रोल लग नहीं रहा। उसकी बिना पर हमने इसका टैंक खोला है और फ्यूल पम्प बाहर निकाला। जैसे ही हमने इसका प्रेशर चेक किया है फ्यूल पम्प का गेज लगा के, जब पैप उतारा है तो हमें उससे अजीब गरीब सा पेट्रोल नज़र आया। जैसे ये देखिए आप, इस टैंकी के अंदर पेट्रोल वाली बात नहीं है, ये तो पानी से चल रही है गाड़ी, ये तो पानी भरा हुआ है सारा का सारा इसके अंदर। देख रहे हैं आप, पूरा पूरा टैंक पानी से भरा हुआ है। और गाड़ी वाले बड़े परेशान थे, यार ये क्या मसला है, क्यों गाड़ी पिक नहीं दे रही है? अभी तो दिलवाया फ्यूल, फिर भी ठीक है गाड़ी। और गाड़ी फ्यूल डलवाने से पहले गाड़ी ओके थी, उसके बाद ये इशू आया। आप ये देखें टैंक के अंदर जो है पानी है, पूरा जो टैंक है वो पानी से भरा हुआ है, और ये फ्यूल डलवाने के बाद हुआ है। जिस पम्प से फ्यूल डलवाया गया है उस पम्प के टैंक के अंदर जो है वो पानी है, या कुछ चीज़ मिसिंग की हुई है उन्होंने, वो पानी बन गया जो अदरवाइज जो फॉल्ट है वो इस टैंक के अंदर है। लिहाजा ये टैंक पूरा पूरा खाली करते हैं, इसको बिल्कुल खाली करते हैं। अब फ्यूल पम्प जो है वो बाहर आ गया है। अब आपने देख लिया है कि इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, पानी है, तो आपने मुकम्मल जो फ्यूल सिस्टम इसका होता है वो क्लीन करना है, बिल्कुल उसमें से पानी सारा क्लीन करना है। ये आप देख रहे हैं, जैसे ही पम्प खोला है तो पम्प के अंदर ही पानी भरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर अच्छा खासा पानी है। और बड़ी बात है, गाड़ी वर्कशॉप तक बड़ी मुश्किल से वो लेके आए हैं, रास्ते में 20 दफ़ा गाड़ी बंद हुई है और वो वर्कशॉप है, ये देख रहे हैं आप, ये सारा पानी है, ये आप देख रहे हैं। अब इस फ्यूल पम्प को खोलते हैं और इसको चेक करते हैं इसके अंदर की क्या पोजीशन है, क्योंकि इसको भी खोलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पानी से भरा हुआ है, जैसे ही खोला है आप देखें फिल्टर के अंदर ही पानी है और वो कार्बन सा बन गया है, उसके अंदर जो है वो सल्फेट लग गई है फिल्टर के अंदर, देख रहे हैं आप, अजीब व गरीब जो इसका ये कलर हो गया है। तो लगा इसको भी साफ़ कर लेंगे, सारा खोलेंगे और मोटर भी चेक करेंगे, अगर मोटर के अंदर जंग लग गया है तो फिर फ्यूल पम्प की मोटर आप चेंज करेंगे। यह देख रहे हैं मैं दबा रहा हूँ और पानी गिर रहा है इसी से। अब इस तरफ आपका जहन जाता ही नहीं है कि टंकी के अंदर पानी होगा। तो ये जैसे ही फॉल्ट मिला है तो आपके साथ शेयर किया कर रहे हैं। और ये देखिए आप, ये जो इसकी फ्यूल पम्प की मोटर है ये भी पानी से भरी हुई है और साइडों से पानी इसका जम गया है, अच्छी खासी जो है मोटर है ये गर्म हुई हुई है और अंदर जो है वो कार्बन लग गया है इसकी पेन की बात अच्छा खासा। अब हम ये मोटर नहीं दोबारा लगाएंगे, तो इस मोटर का कोई एतबार नहीं है, इसके अंदर पानी चला गया है, कभी भी जंग बन जाएगा इसके अंदर और मोटर जाम हो जाएगी और कभी भी गाड़ी खड़ी हो सकती है। लिहाजा ये वाली जो मोटर है ये हम चेंज करेंगे, ये हम वापस नहीं लगाएंगे। और फ्यूल फिल्टर को हम करते हैं साफ़, अगर ये साफ़ हो जाता है और इससे पानी निकल जाता है तो फिर ठीक है, पर अदरवाइज पूरा पूरा मुकम्मल पम्प जो है वो चेंज करेंगे। ये जो फिलिंग स्टेशन है पेट्रोल वाले, ये उनका कसूर है कि उन्होंने सही पेट्रोल इसमें डाला नहीं है, मिक्सिंग की हुई थी जो भी है। अदरवाइज़ हमेशा अच्छे पम्प से कंपनी ऑपरेटेड जो कम पम्प होते हैं अब उनसे ही आप फ्यूल डलवाया करें। तो ये हमने टैंक जो है इसका मुकम्मल खाली कर लिया है और इसको बिल्कुल हमने साफ़ कर दिया है, नीट एंड क्लीन कर दिया है, इसमें से सारा पानी निकाल दिया है,
सारी मिट्टी हमने इसे निकाल दी है और बिल्कुल उसको हमने साफ़ कर दिया है। ये आप देख रहे हैं जो हमने पटो निकाला, जो अंदर जो गंद है और पानी है, देखें आप, ये आप देख रहे हैं, ये सारा पेट्रोल सही नहीं है, ये किसी चीज़ ये इस्तेमाल कर रही है, इसको हम फेंकेंगे और नया पेट्रोल डालेंगे। जब हमें शक पड़ा, हमने सबसे पहले जब गाड़ी की लॉन्ग स्टार्टिंग को चेक किया तो हमने गाड़ी को सेल्फ मारा ताकि हम चेक करें कौन से इंजेक्टर लीक है। तो ये आप देख रहे हैं, जब हमने सेल्फ मारा तो इससे पानी से अजीब सा पेट्रोल आ रहा है, देखें आप कलर, देखें आप इस तरह का। फिर हमने इसका टैंक खोलने का फैसला किया और ये इसकी हैं इंजेक्टर, हमने मंगवा लिए हैं और ये हम चेंज करेंगे, सारे के सारे हम चेंज करेंगे ये इंजेक्टर जो इसके हैं, जो लीक हैं, छः के छः हमने मंगवाई हैं और दो जोड़े हमने मंगवाई हैं तो एक अच्छा मिला हमें इनमें से। जब भी आप चीज़ मंगवाते हैं तो टेस्ट करके लगाएं, अगर 10 दफ़ा भी लीक है तो 11वां टेस्ट सेट मंगवाएं और चेंज करें, ये ना कहें कि लगाएं और चलेगा, ऐसे नहीं, चेक किए बगैर मत लगाएं। तो इस तरीके से हमें जब देखा कि पेट्रोल जो है इंजेक्टर के अंदर अजीब से कलर का आ रहा है तो फिर हमने इंजेक्टर जो है वो छोड़ दिए वहीं पर और टैंक की तरफ हम चले गए और टैंक खुला, टैंक के अंदर पानी था तो हमें फाड़ मिल गया, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन आप देखें तो फ्यूल टैंक लाजमी चेक करें, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो माशाल्लाह जो है काम सारा मुकम्मल हो गया, सारी फिटिंग मुकम्मल हो गई, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया है, गाड़ी को ड्राइव किया है और ड्राइव करने के बाद गाड़ी अभी वर्षा में आई है। ओके है, बेहतरीन, चलो यार, असल क्या था, पानी क्या हुआ था, बेहतरीन, सारा फॉल्ट यही था, टंकी के अंदर पानी क्या हुआ था। अच्छा, अभी सारा ने काम किया ना, फिर डलवाओ पानी, फिर सारा ख़राब। आपने देखा ये गाड़ी पेट्रोल पर चलने वाली है, पानी में चलने वाली नहीं है। तो एक भाई जो कहते हैं कि रोज़ाना एक ही टॉपिक पे आप बनाते हैं वीडियो, उनके लिए ये वीडियो है, आज एक नया टॉपिक की वीडियो बनाई है। तो वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पढ़ना कायम करें, दूसरी पढ़ें, दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।